बसमीम प्रोग्राम इल्म दानिश में मैं आपको खुश आमद कहता हूँ हमारे साथ सरफराज शाह साहब मौजूद हैं हमारे गाइड हैं हमें रहनुमाई करते हैं हमें बताते हैं ज़िंदगी के लाएम के बारे में कि किस तरह का होना चाहिए शाह साहब शाहक वालेकाम उम्मीद के बारे में बहुत से लोग सवाल करते हैं और वो ये होती है जैसे हम पिछले प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया बाप के हवाले से भी बात हुई बहुत सी आपने इस बारे में गाइड भी किया पहले भी और वो ये है कि हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा इंसानों से वाबस्ता कर लेते हैं हम लोग बजाय इसके कि अल्लाह से उम्मीद कर रहे हो इसमें ख़राबी क्या पैदा हो जाती है कि हम अपने लायह-अमल को फिर तब्दील किस तरह से करें चूँकि हम कहीं समझते हैं कि हमारा भाई है हमारा दोस्त है कहीं हम समझते हैं कि हमारा रिश्तेदार है हमारा साथी है इसको हमारी उम्मीद पर पूरा होना चाहिए लेकिन ये नहीं जानते कि उसकी तरफ़ से आने वाली तकलीफ जो अल्लाह ताला ने फरमाया शाद बारी ताली है कि कोई भी तकलीफ जो तुम्हारी तरफ़ आ रही है उसको समझो कि मेरी तरफ़ से है वो अल्लाह की तरफ से है तो इस हवाले से ज़रा उम्मीद के बारे में भी बताइएगा कि उम्मीद अल्लाह से भी रखी जाए इंसान से भी रखी जाए इनका रिश्ता बाहम किस तरह से फिर एक मतवाजन सूरत में रखा जाए कायम बिस्मिल्लर उम्मीदें सिर्फ रफ्तार ही से रखी जानी चाहिए और रब तला से जब आप अच्छे गुमान करते हैं तो रब अच्छा ही करता है तो रब तला से हमेशा हमेशा अच्छे गुमान रखने चाहिए मुसलमान की दूसरे इंसान के साथ मोहब्बत करता है तो अल्लाह के लिए उसके साथ उससे दूरी इख्तियार करता है तो अल्लाह के लिए तो जब हमारी तमाम एक्शंस इस एक कॉन्सेप्ट पर बेस होते हैं कि मैं जो कुछ भी किसी के लिए कर रहा हूं जो कुछ भी मेरा रवैया है किसी के लिए ये सब अल्लाह ही के लिए है तो फिर इंसानों से उम्मीदें आदमी वाबस्ता नहीं करता है वो हर चीज़ का अजर और उसका बदलाव वो रब से वो हर चीज़ रब पे छोड़ देता है कि अगर मैं इस शख्स के साथ अखलाक से पेश आ रहा हूँ नेक सलूक कर रहा हूँ तो मैं इसलिए कि मेरे रब का हुक्म यूँ ही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है तो मैं उसी की पैरवी कर रहा हूँ अगर मैं किसी के काम आ रहा हूँ किसी की खिदमत कर रहा हूँ तो वो इसलिए है कि मुझे हुक्म यही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम की सुन्नत यही है जब हम अपने इस कॉन्सेप्ट को यूं चेंज कर लेते हैं कि दूसरों के साथ जो कुछ हमारे रवैये हैं जो कुछ उनके साथ जिस तरह हम पेश आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि मेरे रब का हुक्म क्यों ही है तो फिर न किसी इंसान से किसी इनाम की तो रह जाती है ना किसी बदले की कि इसके बदले में हमारे साथ क्या करेगा वो? कोई तो वो को नहीं रहती ये सब चीज़ें अल्लाह ही के लिए करता है इंसान तो यूँ उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं जब हमारी किसी दूसरे इंसान से कोई उम्मीदें ही नहीं है तो हम फिर हर्ट भी नहीं होते हमें किसी से शिकायत भी नहीं होती कोशिश ये करनी चाहिए कि जो कुछ भी हम दूसरे मुसलमानों के लिए मुसलमान भाइयों के लिए करें वो महज और महज इसलिए कि हमारा रब यूँ ही चाहता है कि हम अपने दूसरे मुसलमान भाइयों के साथ था। 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 बहुत ही अच्छा सलूक करें बहुत मेहरबानी का सलूक करें नेक सलूक करें और उनकी शोहरत उनकी इज्जत उनके मकाम उसका ख्याल रखें कि वह हमारे हाथ में डैमेज ना होने पाए किसी तरह तो जब ये सब कुछ हम अल्लाह ही के लिए करना शुरू कर देंगे कि मेरा रब यूं ही चाहता है कि उसके अहकाम यही हैं, आप वसल्लम की हयात सहीबा उसमें सुन्नत वही है तो फिर हमें ना तो कोई दूसरे आदमी का सलूक हमारे साथ क्या है वो दुख देगा और ना हम उस दुख मिलने के जवाब में गिली शिकवे करेंगे उम्मीदें सिर्फ रब के साथ ठीक जो आपकी बात है उस हवाले से मुझे एक आ, जो यूरोप के फलसफ़े और लिटरेचर की एक तारीख है उस हवाले से एक चीज़ याद आती है और वो ये है कि आपकी बात में ज़ोर इस बात पे है कि हमारी ज़िंदगी का महवर बहरल रब तला होना चाहिए अल्लाह तना चाहिए हमारे रिश्ते हों हमारे काम हों हमारे अमाल हों हर चीज़ में और उस हवाले से सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हमारे हवाले से अल्लाह ताला कोई और चीज़ नहीं है इसको जिस वक्त यूरोप ने रहन के ज़माने में जब साइंस का दौर आया और उन्होंने अक्ल के ऊपर परखते हुए ये किया कि अक्ल को आगे बढ़ाया इंसानी अक्ल को और ख़ुदा को अपनी कायनात से बाहर कर दिया तो एक जो एज ऑफ रीज़न के ज़माने तक पहुँचते पहुँचते सूरत हाल ये हुई कि जीब नफसा नफसी कालम था और फिर इंसान को इस तरह के किरदार तख्लीक उसने किए कि जहाँ पर पता चला कि यह कायनात एक मशीन चला रही है और उसमें हर चीज़ क्रश हो जाती तो वो जो मायूसी और वो जो एक आप उसे कह लीजिए डिप्रेशन पैदा हुआ है वो इतना खौफनाक है कि उससे अब तक वो जान नहीं छुड़ा पा रहा तो ये नुकसान है मतलब उसको हमारे पास ज़िंदा मिसाल मौजूद है कि यूरोप ने ये नुकसान भुगता है अल्लाह ताला को अपनी कायनात से अलग करके तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा नमूना है हमारे लिए भी इसी बात का एक सबूत है कि हम हर सूरत में अपने काम में अपने कारोबार में अपने रिश्तों में अल्लाह ताला को मुकदम जाने उसके बाद रूल कम सल्म की हस्ती है बेषिक दोस्त है ये बात जी मगरब ने जो ये तजर्बा किया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के दो पहलुओं को दो डिफरेंट वाटर टाइट कम्पार्टमेंट्स में कर लिया जी एक उनकी डीलिंग्स हैं दुनिया के साथ और एक पहलू उन्होंने रखा कि ये मजहब का पहलू है और दोनों को वाटर टाइट कंपार्टमेंट में जुदा जुदा कर दिया मज़हब को उन्होंने ये कह दिया कि ये इनफरादी मसला है इसका किसी और के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है ये प्राइवेट मामला है जब उसमें से वो मजहब निकाल लिया उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में से तो वहाँ फिर सिर्फ और सिर्फ मादा परस्ती रह गई जी उस मादा परस्ती ने वहाँ इनफियत को इनफी जिंदगी को जन्म दिया कि फ़र्द सिर्फ अपने लिए जीता है ये जब ऐसे मकाम पर ले आए वो माशरे को कि हर फर्द अपने ही लिए जीता है जो कुछ उसके पास है वो सिर्फ उसका अपना है उसका जाति मफाद उसके लिए सबसे अहम है तो उसके नतीजा एक निकला बदतरीन किस्म की खुद गर्जी की सूरत में कि वहाँ इंसान ऐसा खुद गर्ज हो गया कि फिर उसने अपने दाएं बाएं नहीं देखा कि मेरी इस मूवमेंट के नतीजे में दूसरों को कितना दुख हो रहा है कितनी तकलीफ हो रही है वो कंसर्न है सिर्फ अपनी जात के बारे में और इसी ने उनकी फैमिली लाइफ तबाह करके रख दी अब बच्चा वहाँ जो ही सोलह साल का होता है वो निकल पड़ता है घर से बाहर कि मैं अब अपनी जिंदगी खुद जीऊँगा बर्न टू माई पेरेंट्स और पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि वो सोलह साल का हो गया अब वो इंडिपेंडेंटली रहे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं उनको देखने वाला कोई नहीं है और वो वक्त अभी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं गया है वर्ल्ड वॉर से पहले का उनके यहाँ भी जॉइंट फैमिली सिस्टम था जो एक बॉन्ड मौजूद था उनके यहाँ और उनकी ज़िंदगी अभी अगर आप आयरलैंड में चले जाए स्कॉटलैंड में चले जाए तो आपको वहाँ पे इसकी झलक अभी भी दिखाई देती है इस लिहाज से हम खुश नसीब हैं कि अगर कल को कोई सरफरा उठकर ये चाहे भी कि हमारी ज़िंदगी से दीन को निकाल कर ले जाए तो मुमकिन नहीं होगा नहीं। क्योंकि मुसलमान की जिंदगी तमाम की तमाम ए टू जेड वो गवर्नड है बाय दीन उसका एक एक फेल गवर्न होता है दीन से तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान की जिंदगी से दीन को निकालना मुमकिन नहीं होगा नहीं। भले कितनी ही कोशिशें कर ली जाए ये एक फ़र्क है तो इंसान अपने आप को नुकसान पहुंचाता है जब वो अपनी ज़िंदगी से मजहब को निकाल के बाहर रख देता है आप ही दीजिए एक छोटी सी ब्रेक ले लें जैसे शाह रहे हैं इंसान बहुत बड़ी गलती करता है और इंसान बहुत नुकसान उठाता है जिस वक्त अपनी ज़िंदगी से अल्लाह ताला को अलग कर देता है और ख़ुद एक अजीब हरस में और अजीब खुद फरेबी में मुबतला हो जाता है अभी इसके बारे में और भी बात करेंगे हमें इजाज़त दीजिए एक छोटी सी ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद दोबारा मिलता है दोबारा जी ब्रेक के बाद आमतौर पर ये भी देखा है कि आ, जैसे यूरोपी के हवाले से हम मिसाल ले रहे हैं पहले तो उसी की बात कर लेते हैं कि जिस वक्त अल्लाह ताली पर उसकी उम्मीद थी तो उस वक्त कायनत के इस आ, अमल में भी उसकी या असूल में भी उसकी उम्मीद थी कि इस दुनिया के बाद मुझे आखिरत में कुछ अजर मिलेगा या मुझे आखिरत में जो भी मैं ज़ा सजा का मतलब वो था जब ये ख़त्म हुई तो उसकी ज़िंदगी बेमानी होकर रह गए और वहीं पर बेशुमार खुदकुशियाँ हमारे सामने आती हैं जब वो सवाल उसके ये आता है कि फिर हासिल ज़िंदगी क्या है अगर अल्लाह ही नहीं है और ज़िंदगी के बाद भी कुछ नहीं है तो फिर हाथ ज़िंदगी है क्या और वहाँ पे बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स थे जिन्होंने ख़ुदकुशियाँ कर ली मालोपूंटी का नाम आता है काल जास्पर वगैरह तो फिर भी जो थे कुछ उम्मीद उनकी थोड़ी सी अल्लाह ताला में कायम थी लेकिन जितने भी लोग थे वो मायूस हो गए और फिर बहुत बड़ी मायूसी फैलाई बात के अमल ने लोगों के मतलब उसमें तो इस हमाल से ये फरमाइए कि इंसान यहाँ पर भी जो अगर ना चाहते हुए भी अपनी ज़िंदगी से अल्लाह को अलग करेगा तो फिर वो इस असूल से भी पहलू तो ही हो जाएगी उसकी कि इस कायन में उसको सब्रक का फल मिलना है उसको इनाम मिलना है उसको अज़र मिलना है उसको आख़त में फल मिलना है तो ये नुकसान बहुत बड़ा है मतलब अगर वो इस पहलूते ही करता है इस समलता है मतलब मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि मग़रब ने जी बहुत नुकसान उठाया जिसका उसके उसे अब एहसास हो गया अब मग़रब में जी। यह आवाज़ उठना शुरू हो गई है कि हमें वापस जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरफ जाना है हमें जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ एक निज़ाम था उसको वापस लाना चाहिए तो आता ग्रेजुअली जिस तरह वो दूर हटे थे उतने ही आहिस्ता आहिस्ता वो करीब इस तरफ़ वापस चले आ रहे हैं जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि मुसलमान को एक एडवांटेज हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर कोई सरफरा ये चाहे भी कि मुसलमान की ज़िंदगी से दीन को निकाल दे तरफ़ कर दे और इसको प्योरली एक ऐसी दुनिया समझ ले जहाँ दीन का कोई गुज़र नहीं है वो ना चाहते हुए भी वो चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा उसे इसलिए कि हमारे यहाँ तो एक एक कदम पर आप कुर्सी से उठते हैं तो अल्लाह अकबर कहते हैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं सुबह अल्लाह कहते हैं खाना शुरू करते हैं तो हम दुआ पढ़ते हैं खाना ख़त्म करते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं दुआ की सूरत में नया कपड़ा पहनते हैं तो हम दुआ की सूरत में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं छोटी से छोटे पहलू हमारे वो हैं जहाँ हम रब का जिक्र करते हैं और रब का शुक्र अदा करते हैं रब से अपने ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं रब से हम मांगते हैं हर हर कदम पर ये मुसलमान का एक एडवांटेज है कि कोई कितनी ही कोशिश कर ले मुसलमान की ज़िंदगी से दीन अलग नहीं हो पाएगा क्योंकि दर हकीक़त मुसलमान की ज़िंदगी गवर्न होती है उसके दीन से ये एक सवाल है कि हम अपने इर्द गिर्द देखें तो मुआरे में बेशुमार लोग हमें ऐसे नज़र आते हैं जिनको मुआरे से कुछ मिला नहीं ये ऐसे लोग भी हैं जो माजूर हैं किसी माजूरी का शिकार हैं वो किससे उम्मीद रखें उम्मीद रब से रखी जाए वो वसीले पैदा कर देगा अपने बंदों के लिए इसबाब पैदा कर देगा वो अपने बंदों के दिल में डाल देता है कि मेरी इस बंदे की मदद करो इस बंदे के काम आओ ये रब है जो दिलों में डाल देता है सर्व रब है और वो मुशरे का की जिम्मेदारी है वो लोग जो किसी वजह से भी इस पोजीशन में नहीं रहे कि अपने लिए लाइवलीड कमा सकें वो उस माशरे की ज़िम्मेदारी है कि वो मुआरा उनके लिए सब कुछ करे और हमें कल को अल्लाह के हजूर जवाब देना होगा कि अल्लाह ने जब हम पे अपनी नेमतें वसी की थी तो हमने अपने दूसरे भाइयों का ख्याल रखा या नहीं रखा नहीं। हमने अपने बहन भाइयों को देखा या नहीं देखा कि वो किस हाल में है अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों को देखा या नहीं देखा कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं हमें ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई शख्स हमसे रिक्वेस्ट करे कि मेरी ये मजबूरी है अगर कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए बड़ापन ये है कि हम खुद नज़र रखें और किसी की ज़ुबान खुलने से पहले उसकी खिदमत कर दें ये भी नीचे ये अपने अंदर हम अगर बहसी मुसलमान पैदा कर लें ये बात कि हम नज़र रखें कि किसके लिए हम क्या कर सकते हैं खामोशी से कर दें और इसमें राजदारी बुनियादी अंसर है कि इस अंदाज़ में खिदमत की जाए और इतनी आजी और इनकसारी के साथ खिदमत की जाए कि खुद हमें पता न चले कि हमने किसी की खिदमत कुछ की है यहाँ पर वो आस वाली बात आ जाती है कि उनकी आपसे एक आस है उनके माशरे से एक आस है उसकी अपने हमसाय से एक आस है उस आस को टूटने नहीं देना चाहिए लेकिन यहाँ पे हम ये सोचें कि ऐसे माशरे जहाँ पे देखिए ना मेरी ज़िंदगी में भी हमारे आम आदमी की ज़िंदगी में भी बेशुमार लोग ऐसे रह हमें मिलते हैं जो थोड़े पीछे रह गए होते हैं या जिनकी माजूरियाँ हैं और उस बुनियाद के पर वो कुछ कर नहीं पाते अगर हम उनकी आस टूटने दें और अगर हम उनकी उम्मीद पर पूरे ना उतरें तो फिर उस माशरे का क्या हाल होगा अफरा तफरी होगी और ये हमारा वहम है कि हम सिर्फ अपनी ज़ात पर फोकस करके खुशहाल रहेंगे और खुश रहेंगे दोनों बातें खुश रहेंगे और खुशहाल रहेंगे ये दोनों ही नहीं हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। नहीं। ये फितरत अपना काम करती रहती है मैं अक्सर बेश्तर अर्ज़ करता हूँ कि ये दुरुस्त है कि दुनिया के किसी इलम का कोई फार्मूला इस बात को साबित नहीं कर पाएगा कि देने से बढ़ता है हर कानून कायदा हर फार्मूला यही सजेस्ट करेगा कि देने से घटता है लेकिन जो तजर्बा है वो ये कहता है कि हर वो आदमी जो अपनी कमाई को अपने अपने और अपने अह खाना की जायज ज़रूरियात पूरी होने के बाद जो बच रहे वो अल्लाह के दूसरे बंदों पर ख़र्च करता है अल्लाह कई गुना करके उसको लौटा देता है तजर्बा ये कहता है और कानून का ये कहेगा कि नहीं सब देने से घटता है ज़ाती तजर्बा आप अपनी ज़िंदगी का देख लीजिए वो तमाम लोग आपकी ज़िंदगी में जो आए जिन्हें अल्लाह ने ये दिल बख्शा था कि वो अपनी आमदनी का नहीं। नहीं। एक हिस्सा मखलूक पे बेदरे खर्च करते हैं आप देखिए रब ताल ने उन्हें कितना वसी रिस्कता फर्माया है मेरी अपनी ज़िंदगी में जो भी लोग मेरे सामने आए ऐसे उन्हें देखा कि जिन लोगों ने भी बेलॉस होके रब के बंदों पर खर्च करना शुरू किया रब तला ने उन पर रिस्क वसी कर दिया आपने जैसे फरमाया कि आपकी ज़िंदगी का भी तजर्बा भी यही है कि अल्लाह ताला ने हमेशा बढ़ा के दिया है ऐसे आदमी को जिसने आस नहीं टूटनी दी उम्मीद नहीं टूटने दी तो बहाल में, में यहीं से इसको अगर देखा जाए कि मैं बार बार मैं भी एक दो बार आपके साथ प्रोग्राम में मतलब ये हमने किया कि व शवा के के हवाले से भी मतलब आता है कि आप अगर किसी को कोई दे रहे हैं तो अल्लाह के दिए में से दे रहे हैं अपने पास से कुछ नहीं दे रहे हैं बेशक शक्र गुज़ारी रफ्तार की बहुत से रंगों में कर सकते हैं शुक्रगुजारी गुज़ारी का एक आला तरीका ये भी है कि रब तला ने इंसान को जो रिस्क अता फरमाया है उस रिस्क में से अल्लाह के बंदों पर वो बग़ैर ये देखे कि दोस्त है या दुश्मन बगैर ये देखे बगैर ये देखे दोस्त है या दुश्मन ठीक है बल्कि दुश्मन पर ज़रा ज़्यादा खुले हाथ से ठीक है खर्च कर देता है तो रब ताला उसके रिस्क में बेपना इजाफा कर देता है ठीक है मैंने ज़िंदगी में बेशुमार लोग ऐसे देखे जिनको अल्लाह ने ये तोफ़ीक बख्शी थी कि वो अल्लाह के अदा करदा रिस्क में से दूसरों पर खर्च करते हैं और रिस्क बढ़ता ही चला जाता है इसको शुक्रगुज़ारी का मैं आला नमूना इसलिए कहता हूँ कि जब हम अपने मुखालफी पर भी खुले हाथ से खर्च करते हैं तो ये एक एहसास हमारे दिल में होता है कि ये जो कुछ मेरे पास है ये मेरा नहीं है मेरे रब का अता करदा है चूंकि मेरे रब का अता करदा है इसमें मेरा हक सिर्फ इतना है ठीक है कि इससे मेरी और मेरे खा, खाना की जायज़ ज़रूरियात पूरी हो जाए बाक़ी जो है वो दूसरों के काम आ जाए तो ये वाला एहसास जो है कि ये मेरा नहीं है ये मेरे रब का अता करता है ये मेरे ख़्याल में शक्र का बहुत अच्छा तरीका है ठीक बड़ी मेहरबानी शुक्रिया हमारे प्रोग्राम का वक्त में हो रहा है जो शाह ने शाचर में आखिर में कि शुक्रगुजारी का सबसे बड़ा एक तरीक़ार यही हो सकता है कि आप अपने पास जो है उसमें लोगों को हिस्सेदार बनाएँ और ये सोचें कि जो कुछ मेरे पास है ये अल्लाह ताला का दिया हुआ है उसमें उसका भी हिस्सा है अभी इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम में फिर इन मिलेंगे अल्लाह हाफि